हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ है। और इस दौरान दोस्तों, जब हम गाड़ी को चलाते हैं, यानी बारिश के दौरान गाड़ी को जब हम चलाते हैं, तो विशेष सावधानी रखनी होती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि एक गाड़ी जो है खड़ी हुई है, लेकिन रोड के किनारे तो खड़ी है, लेकिन पूरी रोड से साइड में नहीं है, और ना ही हैजार्ड लाइट को ऑन किया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि गाड़ी को ड्राइव करते समय ही हैजार्ड लाइट का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बटन, यानी चारों जो लाइट्स हैं इंडिकेटर वाली, वो ऑन कर देते हैं जब तेज़ बारिश हो रही होती है या बारिश के दौरान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। हैजार्ड लाइट का जो मतलब है या फिर यूज है, वो केवल इमरजेंसी कंडीशन में करना है। मान लीजिए रोड के किनारे आपकी गाड़ी, जैसे कि अभी क्रेटा खड़ी हुई थी, तो उस दौरान गाड़ी ख़राब हो गई है, तब आपको यूज करना है। चलती गाड़ी में आपको कभी भी यूज नहीं करना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो है इसका यूज क्या है। बस शोबाजी के लिए भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब आपको ये बात जो है थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन वास्तव में जो है ऐसा होता है कि चारों इंडिकेटर जला लिए और गाड़ी को चलाने लगे। और आजकल तो ट्रेंड आ गया भाई, बाइक में भी जो है चारों इंडिकेटर लोग ऑन करके गाड़ी को चलाते हैं। तो ये चीज़ आपको बारिश के दौरान नहीं करना। और ये जो हैजार्ड लाइट होती है दोस्तों, ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज करनी है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो है सिग्नल के रूप में यूज करनी है। तो ये एक जानकारी थी, जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया है। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो डिटेल में ही मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।